मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हमें बहुत ही जल्दी है रोड को निकलने की, तो हमारी बस छूटने वाली है। चलो रास्ते में बात करते हैं। हम हमें जाना है आज शादी में। शादी है ऊपर मुथल गांव में, वहां पर है बुआ जी की पोती की शादी, तो हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं फटाफट। तो बस छूटने वाली है हमसे, इसीलिए हम दौड़ रहे हैं बस के लिए। हम लोग ऊपर वाले बदा में बस का वेट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, मम्मी पापा और मैं, कमान बस में जाएंगे हम। हम लोग उतर चुके हैं बस से। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे के सारे शादी को जा रहे हैं ऊपर, तो हम लोग भी जा रहे हैं। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। ज़्यादा दूर नहीं है शादी वाला घर, यहीं पर है ऊपर, थोड़ी ही दूर है, बस एक दो घर के पीछे जाना होगा हमें। हम लोग पहुंच गए हैं शादी वाले घर में, तो फिलहाल तो हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। टाइम तो नहीं है ब्रेकफास्ट वाला, मगर हमें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट ही दे रहे हैं यहाँ पर। धाम तो लेट तैयार होगी। हम लोग उसी घर में आए हैं जहाँ पर हम गणत्यारे के दिन आए हुए थे, बुआ जी के घर में, जो मुथल गांव में है, वहीं पर। खाने में है पूरी चने और आलू की सब्जी, साथ में है चटनी, पता नहीं किस चीज की है, मगर बहुत ही टेस्टी है। हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, अब जाएंगे हम, थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। और साथ में वहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे जलेबी वाले, तो थोड़ी सी जलेबी भी चख लेते हैं। मुझे कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ शादी ब्याह में। जलेबी बहुत ही ज़्यादा मीठी है। यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है मुथल गांव का, जहाँ पर मेला होता है। तो पापा भी बैठ गए हैं कॉफी पीने हमारे साथ। हमने कॉफ़ी वगैरह तो पी ली है, अब जाएंगे हम ऊपर बुआ जी के घर में, देखते हैं वहाँ पर दुल्हन हमें दिखाई देती है कि नहीं।
देखते हैं दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। ये वाला घर है बुआ जी का, यहाँ पर आए थे हम पहले भी गंतर्यारे के दिन। नीचे बन रही है धाम, तो धाम तो शाम को ही तैयार होगी, इसीलिए जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर देखो नीचे कितना धुआं भी डाला हुआ है, और छत पे रखी हुई है मक्की जो धुएं से हो गई है काली। यहाँ पर रखे हुए हैं बाजे, तो बाजे वाले तो शायद से खाना खाने चले गए होंगे, वो बाद में ही आएंगे। हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। बारात जल्दी ही आ चुकी थी, तो अंदर हो रही है दूल्हे की कुछ रस्में, तो देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। दूल्हे को ले जा रहे हैं दुल्हन के साथ फोटोग्राफी के लिए ऊपर बगीचे में। दुल्हन थोड़ी दूर से दिखाई दी हमें, तो वो जा रही है आगे आगे दुल्हन। दुल्हन तो गायब हो गई है, तो हम लोग भी चलते हैं नीचे। पास में नहीं दिखाई दी हमें दुल्हन, तो हम भी बोर हो गए हैं इंतज़ार करते करते। यहाँ नीचे की ओर हमारे रिश्तेदारों का घर है, तो हम वहाँ जाकर भी आ जाते हैं उनसे मिलके। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले रिश्तेदारों के घर में, साथ में आई हुई है पहानाला वाली चाची की बेटी भी। यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा घास इकट्ठी कर रखी है सर्दियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। हम उस दिन यहाँ पर मुथल मेले को आए हुए थे, तो मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ जैसे था वो मेला लगा हुआ। यहाँ आगे की ओर है मंदिर, तो मंदिर के पास ही जाना है हमें। यहाँ पर है छोटी सी जगह जहाँ पर मुथल मेला लगता है, तो यहाँ पर पराशर ऋषि जी और लक्ष्मी नारायण जी आते हैं उस दिन, और बाकी प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो
हम लोग आए थे यहाँ पर मुथल मेले को। ये हर साल नहीं होता है। जहाँ पर ये मक्की रखी हुई है छत में, तो हम लोग जाएंगे इस वाले घर में। यहाँ पर है हमारे रिश्तेदारों का घर। रिश्तेदार तो पूरे गांव वाले ही है, मगर हमें जाना सिर्फ इसी वाले घर में है। वहाँ पर रखी हुई है सूखी घास, तो ऊपर दिखाई दे रहा है कमान गांव भी। और यहाँ पर देखो मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। खेत में बीजी हुई है कुछ एक सब्जियाँ। तो चलो हम लोग चलते हैं नीचे अपने रिश्तेदार के घर में, फिर हमें वापस भी जाना है अपने घर को धाम खाने के बाद। तो हम फटाफट माथा टेक लेते हैं, जय हो प्रभु। यहाँ पर सारे लोग छत पे ही मक्कियाँ सुखाते हैं, क्योंकि छत पे अच्छी धूप लगती है। वहाँ सामने भी मुझे लगता है कुछ सब्जियाँ डाल रखी होगी सुखाने के लिए। यहाँ पर है कद्दू वगैरह, तो हम लोग चलते हैं ऊपर। यहाँ पर तो और भी लोग हैं आए हुए मेहमान। हम लोग नीचे वाले रिश्तेदार के घर से ऊपर की ओर जा रहे हैं अब, क्योंकि शायद से धाम तैयार हो गई है, तो हम फटाफट खा के निकल जाएंगे। ये बाराती वाले हैं, तो ये लोग नाटी को क्लोज कर रहे हैं, शायद से जाने की तैयारी होगी।
तो चलो जाते जाते मैं भी एक कप कॉफी का पी ही लेती हूँ। कॉफ़ी तो पी ली है, अब है धाम खाने की तैयारी, तो चलते हैं धाम खाने। तो फ्रेंड हम निकल चुके हैं रोड में। हम आए थे यहाँ पर बुआ जी की पोती की शादी में, तो बारात अभी नहीं गई है, तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो गाड़ी वगैरह तो कुछ है नहीं, कुछ लिफ्ट मिलेगी तो हम जाएंगे, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा। हम रोड टू रोड पैदल जा रहे हैं और नीचे पहुँचना है हमें दोरा नाला तक, शायद से कोई लिफ्ट मिल जाए वहाँ से। अभी तो हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं, वहां पर देखो नीचे दिखाई दे रहा है रोड और अभी हम इतने ऊपर हैं। छोटी गाड़ी वाले तो आ रहे हैं नीचे की ओर, मगर वो हमें रोक नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। वहां पर दिखाई दे रहा है बिजली महादेव भी और काफ़ी अंधेरा भी होने वाला है। हम फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए। अब हम पहुंचने ही वाले हैं दोरा नाला में, वहां तक जा रहे हैं हम पैदल ही। हमें कोई भी गाड़ी नहीं रुकी है, लिफ्ट तो मांगी थी हमने 2-3 गाड़ियों से, हमें कोई भी गाड़ी नहीं रुकी, तो हम रोड टू रोड पैदल जा रहे हैं। वहां पर दिखाई दे रहा है दोरा नाला भी, तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दोरा नाला में। थोड़ा ही रह गया है हमें और रेस लगाते हैं हम। अब हम लगभग पहुंच ही गए हैं दोरा नाला में, वहां जाकर पूछते हैं 5 बजे वाली बस गई है या नहीं। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लोगों ने तो लाइटें भी ऑन कर दी है अपने घरों की, तो हमें और भी ज़्यादा फास्ट जाना पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में बुट्ठी में। हमने सोचा था कि हमें कोई लिफ्ट मिलेगी, मगर लिफ्ट वालों ने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं, एक भी गाड़ी नहीं रुकी हमें। हम ऊपर मुथल गांव से लेकर यहाँ तक पैदल ही आए। पहले तो हम ऊपर से रोड टू रोड पैदल आए, उसके बाद कोलीवेर से यहाँ तक शॉर्टकट वाला रास्ता है, तो हम वहीं से होकर आए। अभी अभी पहुँचे हम, 1-2 मिनट हुआ हमें यहाँ पहुँच कर। तो फ्रेंड अब हम करते हैं थोड़ा रेस्ट, उसके बाद करेंगे हम रात के खाने की तैयारी। आज का ब्लॉग था बस इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।